ये हमारा हट था, यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है। तो अब ये हट देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बना हुआ है हट। अंदर ये एंट्रेंस है इसकी, एंट्रेंस, और ये देख लें आप, स्पोर्ट्स जो है इसकी वो लकड़ी से बनी गई हैं, बनाई गई हैं। ये चेक कर लें आप, आपने ऐसा हट कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आपने देखा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये इसकी छत है, टोटली लकड़ी का बना हुआ है। ये अंदर कुकिंग का चल रही है, लोकल स्टाइल में जो है कुकिंग कर रही है अंदर। हमारे शेफ हैं एक अजमल भाई, ये बड़े माहिर शेफ हैं, 20 साल से कुकिंग कर रहे हैं, हंटिंग और कुकिंग। तो अंदर हट में कुकिंग भी अंदर ही चलती है। तो आप देख लें कितना अच्छा प्यारा बना हुआ है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है हट। ये एंट्रेंस है, भाई गोश्त लेके आ गए, दाद भाई ने गोश्त धो के साफ सुथरा रख दिया। देख किसके बाद पकाई हो गई, पकाई हो रही है, जब फुल पकाई हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे हम, ठीक है? फिर हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। ये कुकिंग इस स्टाइल में की जाती है, ये हट के अंदर ही जो है ना वो चूल्हा बनाया हुआ है छोटा सा, और ये रेगिस्तान की लकड़ियाँ हैं, देख लें कितनी ज़बरदस्त जलती हैं, सूखी ड्राई। और ये चेक करें आप, डक्स को भुना जा रहा है अंदर दी वीडियो बनाना, गोश्त दी वीडियो बनाना, गोश्त दी वीडियो बनाता हूँ। ये देखने को डक्स भुनी जा रही हैं, पक जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस स्टाइल में जो है कुकिंग की जाती है। हमारा खाना हो गया रेडी, ठीक है? हमारे कुक जो है अजमल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनाया, तो अभी आपको खाना दिखाते हैं और फिर इसके बाद हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने सब ने इन्जॉय किया होगा। ये हमारे सारे टीम मेंबर हैं, सारे तोपचिए में, और जो हनीफ साहब हैं, ये हम विजिटर थे, बाकी सारे तोपचिए हम तो विजिटर थे भाई, हमने तो हमने थोड़ी मारे हैं। हमने थोड़ी मारे हैं ना, मनाई का मकसद है कि तुम्हारे को है ना बड़े फोकस।